अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको हमारे जो नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही बेसिक। आज का व्लॉग हम करेंगे मेरी वीकली ग्रोसरी पे। इस वीक मैंने डिसाइड किया है कि मैं बहुत ही एशियन कुकिंग करूंगी। मेरा मन था कि इस हफ्ते विल ऑल ईट एशियन थिंग्स। मैं उस हिसाब से शॉपिंग करी है अपनी ग्रोसरी की। सो लेट्स सी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ एंड यहाँ के प्राइसेस क्या क्या है ग्रोसरी के। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो टू द वीडियो। सो हमारा पहला आइटम देखते हैं कि मैं क्या लेके आई हूँ। मेरा फर्स्ट आइटम है कुकम्बर। ये यहाँ पे कुकम्बर ऐसा मिलता है। इट्स अ बायो गुरकन सो इट्स ऑर्गेनिक। मैं लेके आई हूँ चिलीज, क्योंकि एशियन कुकिंग में चिलीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। मैं लेके आई हूँ ब्रिंजल। आई थिंक आई गॉट टू ब्रिंजल कह लो आप, बैंगन कह लो आप, ओबरजीन कह लो, है तो सब एक ही चीज। मैं लेके आई हूँ ऐसे बड़े वाले दो पैकेट्स, क्योंकि मुझे इसकी एक एशियन डिश बनानी है। तो जितनी भी मेरी ग्रोसरी है बहुत ही फोकस करके मैं लेके आई हूँ आज सारा का सारा एशियन कुकिंग के लिए। सो मैं जब बनाऊंगी ना तो मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूंगी कि मैंने क्या बनाया। मैं लेके आई हूँ टोफू, और जितने इसके प्राइजेस है ना मैं सारे नीचे मेंशन कर रही हूँ। तो बहुत ही डिफरेंस है, ऑफकोर्स यूजुअली डिफरेंस तो होता ही है। मेरा ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है सेसमे ऑयल, ये भी बहुत काम आता है एशियन कुकिंग में। तो हमारा ये नेक्स्ट प्रोडक्ट एज अ काम डूइंग ब्रांडिंग और समथिंग। सो मेरा नेक्स्ट आइटम है लेमन जूस। मैं फ्रेश लेमन्स नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसे फिर यार स्क्वीज करो, जूस निकालो, और मुझे ना जूस ही रिक्वायर्ड होता है हर जगह पे। तो मुझे मॉर्निंग में लेमन जूस रिक्वायर्ड होता है, किसी डिश में लेमन जूस रिक्वायर्ड होता है, तो आई प्रेफर दिस लेमन जूस ओनली। अब आप लोगों को कैसा लेमन जूस प्रेफर्ड होता है, अगर आप फ्रेश लेमन यूज करते हैं, अगर आप जूस लेते हैं, तो प्लीज कॉमेंट में लिख के बताइएगा कि आप कौन सा लेमन यूज करते हैं। फिर मैं लेके आई हूँ ग्रुवेट चीज, जो कि मैं मेरे हस्बैंड रोज ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे ना दो तीन चीज फैक्ट्री बहुत ही फेमस है, तो ग्रुवेट चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, और ग्रुवेट चीज यहाँ पे फ्री बुक में आती है, फ्री बुक में पड़ती है ग्रुवेट चीज, और बहुत ही पुराना उनका हिस्ट्री है। और ये मैंने लिया है माइल्ड में। प्राइसेस यहाँ पे लिख रही हूँ कि क्या क्या प्राइसेस हैं, कैसे हैं, तो आपको आसानी होगी जानने में कि यहाँ पे कितने में क्या सामान मिलता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ ये सामान कितने का मिलता है। सो मेरा नेक्स्ट आइटम है ब्रोकली। ब्रोकली बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ही फाइब्रस होती है, बहुत ही प्रोटीन भरी होती है, इसके लिए मैं लेके आई हूँ ब्रोकली। मैं लेके आई हूँ चिकन। मैं चिकन इसलिए लेके आया हूँ, मुझे चिकन घी काम में आएगा, मुझे सब कुछ, मतलब मैं आज सब कुछ जो लेके आई हूँ मैं दिखाना चाहती थी कि मैं ना हर हफ्ते अलग अलग क्विजीन ट्राई करती हूँ। तो इस हफ्ते मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था कि मैं ना पूरा वीक एशियन ही खाऊं, तो मैं सब कुछ जो लाई हूँ सब कुछ एशियन में है। देखते हैं मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या लेके आई। मैं लेके आई हूँ स्पेगेटी, जो कि ये ट्राई कलर में होती है, और इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊं, ये बनी होती है लेंटिल से। यस, आपने सही सुना, ये बनी होती है लेंटिल से। इन्होंने नया निकाला है, हमारे इंडिया में तो मैंने कहीं नहीं देखा कि लेंटिल से बने हुए कोई पास्ता अवेलेबल है मार्केट में, बट मैंने इसको एक बार ट्राई किया था एंड वो इतना स्मूथ फ्लेवर आता है ना पास्ता का। मुझे दो पास्ता बहुत पसंद है, एक एलियो ओलियो और एक पेस्टो, और एलियो ओलियो में ना बहुत ही सही जाता है। हमारा एक पैकेट खत्म हो गया, दूसरे पैकेट से हम शुरू करते हैं। दूसरे पैकेट से हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट निकला है मीसो पेस्ट। मीसो पेस्ट इट्स अ फर्मेंटेड बीन पेस्ट। तो ये फर्मेंटेड बीन पेस्ट है, मैं इसका सूप बनाऊंगी। इस सूप में टोफू जाता है, ग्रीन अनियंस जाते हैं, मीसो पेस्ट जाता है,
और सेसमे ऑयल जाता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सूप होता है ये, तो सब कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे एशियन कुजीन पता है बहुत ही अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों मेरा एक ना पैलेट सेट हो गया है एशियन कुकिंग को लेके। तो मुझे रामन दे दो आप, मुझे कोई भी नूडल सूप दे दो, मुझे गोचुजांग से बनी हुई कोई डिश दे दो। गोचुजांग इज अगेन चिली इन कोरिया, इट हैज बीन यूज्ड इन कोरिया फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। अगेन ग्रीन अनियंस, क्योंकि ऑफकोर्स एशियन कुकिंग। सो मैं सारा यू नो मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि मैं जितना भी सामान लेके आई हूँ ना, सारा का सारा उसको लेके ही है एशियन। मेरा नेक्स्ट आइटम है ये टूना फिश। मैं टूना फिश के तीन कैन, मतलब ये तीन कैन का एक आता है, और ये मैं हमेशा घर में रखती हूँ, क्योंकि कुछ नहीं है ना अगर खाने को तो आप टूना खा लो, मतलब राइस में, राइस के साथ खा लो, फ्राइड राइस में मिला लो। टूना इज समथिंग दैट मी एंड माई हस्बैंड कैन ईट एनी टाइम, तो ये हमेशा घर पे मिलेगा ही मिलेगा टूना एवरी टाइम। लेके आई हूँ चाइनीज नूडल्स, क्योंकि हम नूडल भी बनाएंगे और नूडल का बहुत सारा है, एशियन कुकिंग है, नूडल की भी दो तीन आइटम है जो मैं बनाने जा रही हूँ। गार्लिक, टू स्टक गार्लिक, मतलब टू स्टक मीन्स टू पीसेस, स्टक इज इन स्विस जर्मन, तो दो पीसेस ऑफ गार्लिक इज सफिशियंट फॉर मी फॉर अ वीक, पर शायद इस हफ्ते ज्यादा लगे क्योंकि मैं एशियन कुकिंग कर रही हूँ। आपको वीक में कितना यू नो पड़ता है हफ्ते का, आप कमेंट में बताइए। मैं लेके आई हूँ चिली, ये एक्चुअली एक अलग टाइप की चिली होती है, आप लोगों ने कभी वीडियोस में देखा होगा कि जो चिली ऑयल में बनाते हैं ना और सारा नूडल्स मिक्स करते हैं उसमें एक अलग से ड्राई चिली जाती है, तो ये उसी ड्राई चिली का पेस्ट है। अगेन एशियन कुकिंग, ये है मेरी वाइन जो कि मैं कुकिंग में यूज करूंगी। सो ये मेरी कुकिंग वाइन है और इस पैकेट में ये चीजें खत्म हो गई हैं। और ये मैं लेके आई हूँ सेसमे सीड्स। सेसमे सीड्स एशियन कुकिंग का अगेन बहुत ही मेजर पार्ट होता है। तो ये हम 15 एग्स लेते हैं, इसमें 15 एग्स आते हैं, 15 एग्स का एक पैकेट। हम यहाँ ब्राउन एग्स यूज करते हैं और नहीं ये बतख के नहीं है, काफी लोगों का ना ये होता है कि ब्राउन एग्स जो होते हैं ना वो डक के होते हैं, तो नहीं ये डक के नहीं होते, चिकन के ही होते हैं। मेरा नेक्स्ट आइटम ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है तो हम ये कंज्यूम करते हैं, वो जो मैंने आपको दिखाया था एक्टिविया का योग। सो माय नेक्स्ट आइटम इज ग्रेप्स। ये रेड ग्रेप्स हम लाते हैं क्योंकि हम ब्रेकफास्ट में कम से कम 4 से 5 फ्रूट्स यूज करते हैं, तो हम ब्रेकफास्ट में ग्रेप्स। और ये नेक्स्ट हमारी स्ट्रॉबेरी और कीवी, हम कीवी भी खाते हैं, तो हमारा लाइक 4 to 5 फ्रूट्स होते हैं, लाइक यूजुअली जो हमारा होता है वो होता है कीवी, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंजेस। तो हमारा नेक्स्ट आइटम वहीं से है ऑरेंज। ये हमारे ऑरेंजेस, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंजेस, ग्रेप्स और एप्पल। एप्पल में पिछले हफ्ते ले आई थी क्योंकि एप्पल मैं लाती हूँ साथ में 2.5 किलो, तो वो 2 हफ्ते का कवर हो जाता है उसमें। और मैं ये लेके आई हूँ फ्रेश पार्सले जो कि हमारे काफी फूड्स में यूज आता है। और पूरा हफ्ता इनके बिना कैसे काम चलेगा। तो हमारा ये नेक्स्ट आइटम है वसाबी पेस्ट। वसाबी पेस्ट भी एशियन कुकिंग में रिक्वायर्ड होता है, मैं जो कुछ डिशेस बनाने जा रही हूँ उसमें रिक्वायर्ड होता है। कमेंट करके बताइए किस किस ने वसाबी टेस्ट की है, जिसने सुशी खाई होगी उसने वसाबी खाई होगी, बट या नो आप लोग मुझे जज कर रहे हो कि मैं वसाबी क्यों लेके आई हूँ, कि मुझे क्या बहुत ज्यादा स्पाइसी पसंद है। नहीं, मेरे पैलेट को अब स्पाइसनेस इतना नहीं भाता है, बट क्योंकि एशियन कुकिंग करने हैं इसलिए वसाबी पेस्ट रिक्वायर्ड है, तो मैं वसाबी पेस्ट भी लेके आई हूँ। मेरा ये नेक्स्ट आइटम है एक्टिविया के योगर्ट्स।
जो मैं और मेरे हस्बैंड रोज कंज्यूम करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे नो सारे फ्रूट्स कंटेन करता है, स्ट्रॉबेरी, पीचेस, ब्लूबेरी, तो हर टाइप के इसमें फ्रूट्स होते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड रोज इसे कंज्यूम करते हैं, तो ये क्या दिस इज अ मस्ट फॉर आवर वीक। तो हमारा मतलब यू नो आज फ्राइडे हो गया है, तो नेक्स्ट वीक के लिए, और मेरे फ्रिज में अभी दो पड़े हैं हमारे सैटरडे संडे का, और ये हमारा नेक्स्ट वीक का स्टॉक है। तो आप पर डे क्या खाना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से कुजीन अच्छे लगते हैं। और मेरा ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है ऑलिव ऑयल, मैं ऑलिव ऑयल डालना भूल गई थी वीडियो में, तो ये आपको दिख रहा होगा ये ऑलरेडी आधा हो गया है, क्योंकि हमने लिया और मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है क्योंकि बहुत इजी रहता है, तो ये है इसलिए आधा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।